गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नुकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं इम्तिहान। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर अहाना को सच्चाई पता चलती है कि वो दोनों स्टेप सिस्टर हैं, पर उसे ये बात की भी सच्चाई पता चलती है कि उन दोनों के बीच में जो प्यार था वो एक्सीडेंटली नहीं हुआ था। मतलब बोलते ना नेचुरली प्यार होना, जबकि ये प्री प्लानिंग थी। और यहाँ पर एक्चुअल में कृषा प्लानिंग के साथ आहना के पास आई थी। ये बात जब उसे पता चलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है, और वो ये डिसाइड करती है कि वो अब हर्ट करेगी कृषा को और उससे बदला लेगी, क्योंकि उसके साथ जो किया, उसे पपेट बना के रखा, ये तो बहुत गलत था। पर जब शादी होने के बाद वो सबके सामने ऐसे बिहेव करती है कि जैसे वो कृषा से बेहद प्यार करती है। आहाना हाथ पकड़ के कृषा को अपने ही घर पर लेकर आती है, मतलब कृषा के घर पर, और उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें अपने करीब भी नहीं आने दूंगी और मैं तुमसे किसी और के करीब तुम्हें जाने भी नहीं दूंगी। जो दर्द मैंने सहन किया है, जो ट्रस्ट ब्रेक होने पर मुझे जो चोट लगी है, मैं वो सारी चोट तुम्हें दूंगी। तो इसके लिए कृषा भी हाँ कर देती है, क्योंकि कृषा को भी पता रहता है कि वो सिर्फ गुस्से में है। ऐसा कुछ नहीं है, आहाना बहुत प्यार करती है कृषा से और कृषा भी आहाना से बहुत प्यार करती है। कृषा को लग रहा था कि वो मना लेगी उसको काफ़ी अच्छे से, और ये बात भी सही थी। आहाना तो प्यार में, अगर उससे प्यार से बातें कर दे तो वो पिघल जाती, तब तक जब तक उसकी मम्मी बीच में आके इंटरफेयर नहीं कर देती। मम्मी आकर बीच में इंटरफेयर कर देती है, सचिन के नाम पर उसे भड़का देती हैं और बोलती हैं कि ये देखो वो उसकी रात को इतने टाइम उसके घर पे बैठा रहता है, ये करता है वो करता है, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें डाल देती हैं। और यहाँ पर जब आहाना फ़ोन लेती है कृषा का तो उसमें भी सचिन का ही नंबर दिखता है। अब उसके आगे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी वो, और यहाँ पर एकदम से स्माइल करने लग जाती हैं मिसेस शेट्टी, क्योंकि वो अपना काम कर चुकी रहती हैं। आहाना जब इतने गुस्से में एकदम मायूस से हो जाती है और वो फ़ोन चुपचाप कृषा को दे देती है और आगे बैठ के बस चुपचाप देख रही रहती है। यहाँ पर एकदम से कृषा को लगता है कि अब क्या हो गया सडनली से, इसको तो अभी तक मेज पे इतना हक जताने को आ रहा था, सबके सामने प्यार से बात करने को आ रहा था, अब ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। तो वो उसको समझ में नहीं आता है। फिर वो इधर उधर देखती है तो वो एकदम मिसेस शेट्टी की तरफ देखती है। जैसे वो मिसेस शेट्टी की तरफ देखती है तो उनकी ईवल वाली स्माइल देखती है, तब उसे ऐसा लगता है कि इसने ही कुछ किया है। फिर वो एकदम से अपने फ़ोन की तरफ देखती है तो फ़ोन में सामने के सामने सचिन का नंबर रहता है। तो वो कहती है, ओ शिट, सचिन का नंबर और सामने सचिन। इस बात पर ये चिढ़ गई है। ओके, देखते हैं अब कैसा हैंडल करना है। कृषा एक ठंडी सांस लेती है और वो आहना की तरफ देखती है। आहना उसकी तरफ अब एक नज़र भी देखना पसंद नहीं करती है। वो ये तो हैंडल कर सकती थी कि कृषा ने उसे, मतलब प्री प्लानिंग के साथ आया, बट अगर ये नहीं अलाउ कर सकती थी कि वो ऑलरेडी किसी और के साथ है और वो उसे जस्ट अपने पास एज अ मिस्ट्रेस बना के रख रही है। आहना छुप रहती है, कुछ भी नहीं कहती। पूरे रास्ते पर पूरा सन्नाटा रहता है। जैसी ये दोनों की एंट्री होती है रिसेप्शन के लिए तो वहाँ पर सब लोग आते हैं, उसका वेलकम करते हैं। यहाँ से आकृति दीवी आती है भागते हुए कृषा के पास, वहाँ पर सचिन आता है, शालिनी आती है, मरियम आती है, रोहित आता है, सब आते हैं, कार्तिक आता है। कार्तिक एकदम से आके बोलता है, आखिर तुमने शादी करी ली? तो वो कहती है कि बस एक्सीडेंटली वे में शादी हुई है। और क्या ही बोलूँ मैं इसके बारे में। सो यू आर द स्टेप सिस्टर्स। तो वह कहता है, कृषा उसकी तरफ देखिए, तुम्हें कैसे पता? कहती है, हर जगह न्यूज़ पे यही चल रहा है कि दो स्टेप सिस्टर के बीच में शादी हुई है। पता नहीं क्या बोले, पैसे तो हैं बट यही एक रीज़न था क्या जो तुम इससे दूर भागती थी आहाना से? कृषा बोलती है, हाँ मैं दूर भागती थी इसी वजह से, पर क्या करूँ। यहाँ पर जो कृषा रहती है वो कार्तिक से बात कर रही रहती है, उसके साथ अपना थोड़ा सा समय बिता रही रहती है। पर वहाँ पर जो आहाना रहती है वो जब अंजलि के साथ खड़ी रहती है, साथ ही साथ वो निधि के साथ बात कर रही रहती है, मरियम भी उसे हक करते हुए बोलती है कि मरियम बोलती है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, और आखिर आपको आपका प्यार मिल गया। तो मरियम का वो एकदम से हाथ पकड़ती है
और कहती है कि ये कार्तिक इतनी बातें क्या कर रहा है। तो कहती डोंट वरी, कार्तिक का आपकी आपकी वाइफ के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो दोनों एक अच्छे फ्रेंड से, इत जेलेसी अच्छी होती है पर हाँ ना, इतनी जेलेसी भी अच्छी नहीं होती है। याद रखो, ज़्यादा जेलेसी और ज़्यादा पजेसिवनेस किसी भी रिश्ते को ख़राब कर देता है। उन्हें सामने फ्रीडम भी छोड़ देना चाहिए, जो तुम्हारा है तुम्हारे पास ही आएगा। आज देखो आहाना कृषा आपकी थी तो आपके पास आ ही गई, चाहे आपने उनसे शादी करने के लिए भी नहीं बोला था पर वो आपके पास आ गई। तो इट्स मीन्स कि इफ़ यू हैविंग अ ट्रू लव, वो आपके पास आ ही जाता है। तभी गरिमा एकदम से इन दोनों के बीच में आकर बोलती है, क्या बातें चल रही हैं, ओ माय ब्यूटीफुल ब्राइट, क्या बातें चल रही हैं, और तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, तुम्हें तो अपनी वाइफ के पास जाकर होना चाहिए, चलो इधर आओ। और ऐसे पकड़ के वह आहाना का हाथ पकड़ के उसे कृषा के पास लेके जाती। कृषा को बोलती, कार्तिक छोड़ ना, आज क्यों पका रहा है उसको, हमेशा से तो रोज ही पकाता रहता है और ऑफिस में भी वैसे भी पकाएगा ही तू उसे। तो कहता है, अरे अरे क्या, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ उससे बात कर रहा था। कहती बाद में बात करना, अभी दोनों ब्राइड्स को एक साथ तो खड़े होने दो। और वो एकदम से खींच के लेके जाती है, और यहाँ पे जो हमारी कृषा रहती है वह आहना की तरफ देखती है, लेकिन आहना एक नज़र भी कृषा की तरफ नहीं देखती है। इस बार वो हर्ट हो चुकी थी और वो इस तरीके से हर्ट हुई थी कि वो अपना गुस्सा अपना दर्द भी अब कृषा को जताना तक नहीं चाहती थी, वो इतना डीपली हर्ट हुई थी। वो दोनों वहाँ खड़े रहते हैं रिसेप्शन में सबके सामने। तभी जो यहाँ पर कृषा रहती है वो आहना की तरफ देख के बोलती है, सुनो मेरी बात तो सुनो। कि तो वह कहती है कि बोलो क्या बोलना है आपको। कहती है, मेरी तरफ एक नज़र भी नहीं देखोगी। तो बोलती है, क्यों, आप क्या घूर की पड़ी हो या दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लड़की हो जो आप ही को मैं घूर के देखूं। ये शादी बस एक नाम की एग्रीमेंट है, हमारे बीच में अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है, जो था आपने ख़त्म कर दिया। तो वह कहती है, अरे मेरी बात तो सुनो। और ऐसे करके जो कृषा होती है वो आहना का हाथ पकड़ने के लिए आती है, तभी आहना अपना हाथ एकदम से साइड में कर लेती है और बिल्कुल भी उसकी तरफ देखती तक नहीं है। थोड़ी देर में एक केक आता है जहाँ पे केक कटिंग हो रही रहती है। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो केक कट कर रहे रहते हैं, और जब वो केक कटिंग हो रही रहती है तो कृषा यहाँ से आहना को केक खिलाती है। पर आहाना इतना जानती थी कि वो कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती है, क्योंकि उसी ने तो सबके सामने बोला था कि भाई मैं मेरे गर्लफ्रेंड से प्यार करती हूँ, मैं इसी से शादी करूँगी। चुपचाप वो केक खा लेती है और साथ ही साथ कृषा को भी केक खिलाती है। आहाना के लिप्स के वहाँ पर केक था, तो जो कृषा रहती है वो उसके लिप्स को बहुत प्यार से टच करके सही रहती है। आहाना से उसकी तरफ देख रही रहती है और आहाना की आंखों में आज दर्द दिख रहा था, और कृषा उसके दर्द को समझ भी रही थी कि उसकी आंखों में कितना ज़्यादा दर्द दिख रहा है। फिर वो वहाँ से टिश्यू पेपर निकालती है और बहुत प्यार से क्लीन करती है। तभी वहाँ के लोग चिल्लाते हैं, किस किस, ए टू ब्राइड्स यू हैव टू किस यार ईच अदर। तो ये हमारी गरिमा वहां से चिल्ला के बोलती, किस तो बनती है, किस करो यार, किस करो किस। तो वहां पर सब लोग चिल्लाते हैं, किस किस। उसी उतनी देर में सचिन भी आ जाता है। जो आहना रहती है वो सचिन की तरफ देख के बोलती है, तभी वहां से कृषा बोलती, किस करना यार। तो आहना बोल देती, नहीं, अगर हमारी किस हो गई तो किसी को बुरा और बहुत ज्यादा लग जाएगा, और मैं नहीं चाहती हूँ किसी को बुरा लगे। मेरे वेडिंग रिसेप्शन में कोई भी हर्ट होकर जाए ये अच्छा नहीं लगेगा। जैसी वो ये बात कहती है तो यहाँ पे आकृति दी, गरिमा और सबको ऐसा लगता है कि ये मिसेस शेट्टी की बात कर रही है, क्योंकि मिसेस शेट्टी को तो ऑफ कोर्स बुरा लग ही जाएगा, और सचिन को भी ऐसा लगता है ये मिसेस शेट्टी की बात कर रही है, पर यहाँ पर एक्चुअल में वो सचिन की तरफ देख के ये बात कर रही रहती है। तो तभी वो लोग कहते हैं, और जब वो ये बोलती रहती है तो उसकी नज़र कहीं और टिकी रहती है। कृषा भी उसकी नज़र का पीछा करती है तो वो देखती है कि वहाँ पर मिसेस शेट्टी खड़ी हुई है, और मिसेस शेट्टी बहुत तीखी और मींस इवल वाली स्माइल उसकी तरफ दे रही रहती हैं। ये देख के कृषा को अच्छा नहीं लगता है, और कृषा को ऐसा लगता है कि वो उसे जीतने नहीं देगी। उसने जो उसके डैड के साथ किया उस चीज़ का तो वो बदला लेकर ही रहेगी, और आहाना उसकी जिम्मेदारी है। अब उसने उससे शादी करी है तो जिंदगी भर उसे प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी है।
जो आना रहती है वो बोलती रहती है, मतलब वो सिर्फ एक तरफ देख रही रहती है और लोग चिल्ला रहे रहते हैं किस किस किस। तभी जो कृषा होती है वो एकदम से आहना को टर्न करती है और अपनी ओर खींचती है और उसके लिप पे अपने लिप रखती है, जिसमें जो आहना रहती है वो किस नहीं कर रही रहती है और कृषा उसे जोरों से किस करने की कोशिश कर रही रहती है। थोड़ी देर में आहना एकदम से दूर करना चाहती थी कृषा को, पर जैसी वो उसकी नज़र से देखती है तो वो सचिन की तरफ देखती है और सचिन बिल्कुल इस तरीके से मतलब नॉर्मल खड़ा रहता है, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा रहता है। पर जैसे ही उसे सचिन की याद आता है कि सचिन का अफेयर चल रहा है, तो फिर आहना के दिमाग में एक होता है कि मारना है किसी को तो उसकी चीज़ को अपनी चीज़ करके मारो, तब सामने वाले को दर्द होता है, जैसे ये मुझे दर्द दे रहा है, मेरी कृषा को मेरे करीब लेकर दर्द कर रहा है। तो यहाँ पर आहना भी उसे किस करने बैक करने लगती है, वही वो उतनी पैशनेट तरीके से उसे किस कर रही थी। दोनों अपनी आंखें बंद करके एक दूसरे को डीपली किस कर रहे थे और उनकी किस कब सेकंड से मिनटों में कन्वर्ट हो जाती है पता ही नहीं चल रहा था। स्टार्टिंग के जो 60 सेकंड्स थे मतलब 1 मिनट तक आहना कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी, पर जैसे ही वो सचिन की तरफ देखती है वो रिएक्ट बैक करने लग जाती है। और यहाँ पर जो कृषा रहती है वो पहली उसकी आंखें जो खुली रहती है वो मिसेस शेट्टी की तरफ देखकर हो रही थी। उसके बाद वो भी अपनी आंखें बंद करके किस करने लगते हैं, दोनों काफ़ी डीपली एक दूसरे को किस कर रहे थे। करीब 5 मिनट के बाद जब दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं और वो दोनों बहुत पैशनेट तरीके से एक दूसरे से किस होते हैं और दोनों की जब आंखें खुलती हैं तो आंखों में एक अलग अलग सा ही नशा रहता है। जैसे वो जब एक दूसरे को किस कर रहे थे ना, वो दोनों अपनी किसेस में ये बताना चाहते थे कि आई वॉन्ट यू, और सामने वाले भी आई वॉन्ट यू बताई थी। यहाँ पे आहाना बस ये बताई थी कृषा, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वहाँ पे जो कृषा रहती है वो भी यही बताती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आहना, और मैं तुम्हें किसी और का नहीं होते हुए देख सकती हूँ। थोड़ी देर के बाद इनके बीच में इसी तरीके से जो हमारी नॉर्मल हो जाते हैं, केक्स बढ़ जाते हैं, रिसेप्शन में हो रहता है, मिस्टर शेट्टी के पूरे लोग आते हैं। तभी वहाँ से एक बंदा कहता है कि क्या ये सच है ये दोनों स्टेप सिस्टर्स हैं। तो वहाँ पे मिसेस सुगंधा शेट्टी रहती है, वो आते से ही बोलने वाली थी, तो मिसेस शेट्टी बोलते कौन ये अफगाहें फैला रहा है, अगर ऐसा होता तो जाहिर सी बात है यार मैं अपनी बेटी की शादी कराता क्या उसकी ही बहन से, और यार हम इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर दूर का भी भाई है तो वो भाई कहलाता है, कजन ब्रदर, हम उससे उसकी शादी ना कराए तो फिर ये स्टेप सिस्टर्स कैसे शादी कर सकते हैं, और ये कोई स्टेप सिस्टर्स नहीं है, पता नहीं किसने अफगाहें फैला दी है, मीडिया तक ये बात किसने फैलाई है, मैं तो चाहता हूँ कि मैं कॉन्फ्रेंस करके ये चीज़ें क्लियर करूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ लेकिन अब मेरी बेटी भी कृषा हो चुकी है क्योंकि अब वो मेरी बहू है, तो जाहिर सी बात है यार, लेकिन ये सब अफगाहें हैं। तभी मिसेस शेट्टी जो रहती है वो मिस्टर शेट्टी की तरफ देखने लगती है। यहाँ से जो हाथ पकड़ के जो मिस्टर शेट्टी रहते हैं वो लेकर जाते हैं मिसेस शेट्टी को साइड में और कहते हैं तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हारा दिमाग तो खराब है, एक तो तुमसे बड़ी बेवकूफ इंसान मैंने आज तक नहीं देखी, अगर तुम अपनी बहन अपनी बेटी को कंट्रोल में नहीं रख सकती थी तो तुम अपनी बेटी को लेकर ही क्यों आई, तुम्हारी बेटी है ना ये कृषा, तो तुम्हें कंट्रोल में रखना चाहिए था, मेरी बेटी से उसे मिलने से पहले रोकना चाहिए था, अब तो मिल लिया, अब शादी हो गई, चिड़िया चुग गई दाना, उसके बाद तुम आकर सबको ये बताना चाहती हो कि ये गलत है गलत है गलत है, इससे तुम्हें पता भी है मेरी रेपुटेशन मेरे मेरे बिजनेस में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, अपना मुंह बंद करके बैठो, इतने साल तक पहले तक तो तुम्हें अपनी खुद की बेटी की कोई लेना देना नहीं था, कहाँ पर है क्या कर रही है जिंदा है या मर गई है ये तक तुमने पता तक नहीं किया, और अब जब मेरी बेटी के करीब वो आ चुकी है तब तुम्हें अपनी चीजें दिख रही है, क्योंकि वो तुमसे बदला लेने आई है, उसे जितना बदला लेना है वो सिर्फ तुमसे लेगी, मेरे तरह मेरी मेरा करियर मेरी इंडस्ट्री मेरी फैमिली पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए, और मेरी बेटी के ऊपर अगर एक आंच आई ना तो मैं तुम्हें भी रोड पे लेकर आऊंगा, और तुम्हारी ये जो सो कॉल्ड बेटी है ना कृषा, इसे भी रोड पे लेकर आऊंगा, इसलिए अपना मुंह बंद करके बैठो,
मैं तुमसे नफरत करने पे मजबूर ना करो मुझे। निकलो यहाँ से। यहाँ पर जो मिसेस सुगंधा शेट्टी रहती है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि मिस्टर शेट्टी जितने अच्छे थे वो आज पहली बार इतने ज़्यादा गुस्से में थे। क्योंकि यार अभी तक तो ऐसा था ना कि वो बहुत प्यार से बात कर रहे थे, यहाँ तक कि इतना सब कुछ हो चुका था कि वो भाई ड्रग्स वगैरह इन सब चीज़ों में भी फंस चुकी थी, तब भी वो इतने गुस्से में नहीं आए थे। पर अब जब उनका खुद का एम्पायर डगमगा रहा था तो कोई भी यार गुस्से में आएगा, और वो ये नहीं चाहते थे कि स्टेप सिस्टर वाली बात कहीं पर भी मीडिया तक पहुँचे। पर कहते हैं ना, कुछ चीज़ें तो हवाओं की तरह उड़ जाती हैं, लोगों तक पहुँच जाती हैं। वैसे ये चीज़ें पहुँच गई थी, पर अब कवर अप करना था तो एकदम से मीडिया आ जाती है, पूरे के पूरे सब लोग वहीं खड़े रहते हैं। तभी वो पूछते हैं कि क्या सर, आप ये सच है ये बात कि ये स्टेप सिस्टर्स हैं, ये दोनों स्टेप सिस्टर्स हैं, उनकी शादी हो रही है? वैसे हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से देखा जाए तो दो बहनों के बीच में सिर्फ बहनों का रिलेशन होता है, ये तो शादी तो नहीं होती है। हाँ हम जानते हैं एलजीबीटी कम्युनिटी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, आजकल हर कोई लेस्बियन गे बायसेक्सुअल ट्रांसजेंडर इन सबको सपोर्ट कर रहा है, पर इस तरीके से तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है कि दो बहनों के बीच में आप शादी करा रहे हो, ये तो बिल्कुल गलत है। तभी वहाँ से वो बोलते हैं कि किसने आपको ये अफवाहें फैलाई है कि ये दोनों बहनें हैं? कृषा सिंह इज ऑलरेडी अ डॉटर ऑफ मिस्टर प्रमोद सिंह, उसका कोई मुझसे लेना देना नहीं है, मेरी बेटी नहीं है। जब वो मेरी बेटी नहीं है तो मेरी बेटी से कैसे बहन हुई? तो कहते पर आपकी वाइफ से लेना देना है? तो कहते हैं ये भी अफवाहें गलत फैलाई गई है, मेरी वाइफ की कोई भी बेटी नहीं है, और ये लोग बस मीडिया है जो अपनी फालतू की बातें कर रही हैं। देखिए एक जब एक सेलिब्रिटी की बेटी की शादी होती है ना, तो लोग ना थोड़ा नुक्स निकालने के लिए बैठे ही रहते हैं। तो ये प्रमोद सिंह की बेटी हैं और इनकी मॉम थी जानवी सिंह, और जानवी सिंह और प्रमोद सिंह की बेटी हैं कृषा सिंह, ठीक है। और यहाँ पर मेरी बेटी जो है वो ऑलरेडी मेरी खुद की मतलब राजीव शेट्टी प्लस महिमा शेट्टी की बेटी हैं, और हाँ मेरी एक वाइफ है सुगंधा शेट्टी जिनसे मैंने शादी करी है, बट यहाँ पर तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और दूसरी चीज़, अगर आप लीगली पेपर तौर तरीके से भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं ये कौन अफवाहें फैला रहा है, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं मीडिया के सामने प्रूफ भी लाने के लिए तैयार हूँ, बट ये अफवाहें ना फैलाइए कि ये दोनों स्टेप सिस्टर है और हम हिंदू धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं। हम कोई हिंदू धर्म का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, हम ऑलरेडी एक रिस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम ऐसी चीज़ों को कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। और ये बोलकर मिस्टर शेट्टी अपनी सारी चीज़ों को कवर अप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, और यहाँ पे मीडिया भी शांत हो जाती है और चलने के तैयार हो जाते हैं। सुगंधा शेट्टी का पहले नाम जानवी था, जानवी सिंह था, और जब वो मिस्टर शेट्टी से उन्होंने शादी करी तब उन्होंने अपना नाम सुगंधा शेट्टी रख लिया था, तो इसलिए वो इस चीज़ के बारे में बोलते हैं। पर यहाँ पर जो कृषा और आहाना रहते हैं, जब मीडिया को इस तरीके से देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर आहाना तो एक सिंपल सी लव स्टोरी चाहती थी कि जहाँ पर वो अपनी कृषा के साथ रहे, पर ये सब होने के बाद उसे काफ़ी बुरा लगता है। लेकिन वो ये भी सोचती है कि यार प्यार में अगर चीज़ें इतनी एडवेंचरस ना हो तो वो प्यार ही क्या कहलाता है, और वो कृषा की तरफ देख रही थी। तो कृषा उसको अपने शोल्डर पे करती है और बोलती है तुम टेंशन मत लो, ये मीडिया की फालतू बकवासों को ध्यान मत दिया करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तभी वो कहती है तुम इतना प्यार जो यहाँ पर मुझे जता रही हो ये सब ना ही जताओ, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने भी सिर्फ मेरा यूज़ किया है। तभी कृषा बहुत प्यार से उसको अपने शोल्डर से ही लगाते हुए सबके सामने बात कर रहे रहते हैं, लेकिन वो सब लोग क्या है रिसेप्शन में वो दोनों बैठे हैं स्टेज पर, लेकिन सब इधर उधर खाना पीना खा रहे रहते हैं, तो वो ऐसी कुछ हरकत नहीं करना चाहती थी आहाना और कृषा के, लोगों को ये लगे कि इन दोनों के बीच में भी क्लैशेस चल रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए वो दोनों एक ट्रू कपल थे और वो दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, और ऐसे फाइट करके उन्होंने एक दूसरे से शादी करी थी। तो इसलिए वो शांति से बोलती है, कहती है कि तुम कितना डबल फेस गेम खेलती हो ना कृषा,
मैंने तुम्हारे जैसा डबल फेस गेम खेलने वाला आज तक नहीं देखा। तभी त्रिशा कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं डबल फेस गेम खेल रही हूँ? तुमने मुझे खुद आकर क्यों नहीं बताया? कहती, मैं बताना चाहती थी, मैं तुम्हें सब कुछ क्लियर करना चाहती थी, पर इन दिनों हालात कुछ इस तरीके से हुए थे कि मैं तुम्हें नहीं बता पाई दैट आई लव यू सो मच, और मेरा प्यार झूठा नहीं है तुमसे। तुम चाहो तो आजमा लो, मैं तुमसे सच्ची में प्यार बहुत करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। पर ये बात भी सच है कि मैं तुम्हें ये सच्चाई नहीं बता पाई। चाहती थी मैं सच्चाई बताना, लेकिन उन दिनों तुमने आरव के साथ शादी करने की बात कह दी। मैं क्लियर ही नहीं कर पाई तुमसे। मैं तुम्हें आरव किसे जब तुमने शादी तोड़ी, मैं तब भी तुम्हें क्लियरली बताना चाहती थी कि यार हमारे बीच में स्टेप सिस्टर्स हैं, शांति से बैठ के सब कुछ खिलाना चाहती थी, समझाना चाहती थी, पर ये भी पॉसिबल नहीं हो पाया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम्हें मेरी आंखों में प्यार नहीं दिखता है? आहाना कृषा की आंखों में देख रही रहती है और उसे वो प्यार जो वाइब्स होती है वो सब फील हो रहा रहता है। उसे मन कर रहा रहता है कि आ ये झूठ नहीं बोल रही है, ये सच्ची में मुझसे बहुत प्यार करती है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, तभी सचिन बीच में आ जाता है और सचिन एकदम से टैप करके बोलता है, हे लवबर्ड्स, इफ़ यू डोंट माइंड आहाना, क्या मैं तुम्हारी वाइफ को 2 मिनट के लिए ले सकता हूँ? और ये बोलकर जैसी वो बोलता है तो आहाना उसकी आंखों से करके अपनी आंखों का एक्सप्रेशन चेंज करके उससे गुस्से की तरफ देखने लगती है। कृषा तो यहाँ पैदी समझ चुकी रहती है कि अब आहाना को जो भी गुस्सा वगैरह है वो सब सचिन से है और सचिन को दूर रखने में ही ज़्यादा भलाई है। तो वो कहती है कि बाद में बात करते हैं, तो कहता है प्लीज़ थोड़ा सा अर्जेंट काम है, क्या हम साइड में जाके बात कर सकते हैं? आहाना सीधे बोलती है, जाओ, तुम्हारा बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है तुम्हारी लाइफ का, जाओ बात कर लो। तभी कृषा कहती है, नो आहाना, इट्स नॉट लाइक दैट। तभी आहाना बोलती है, हमारे बीच में वैसे भी कुछ नहीं है और ना कुछ हो सकता है, तुम जाओ, मैं यहाँ पे सीन क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ। मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में तुमसे शादी करी है, अब ना चाहकर भी मुझे ये दुनिया को ये दिखावा तो करना ही पड़ेगा ना, तुम जाओ जाओ जाओ, बात करो तुम्हारे इम्पोर्टेंट पर्सन से। और ये बोलकर वो वहाँ से चली, अपना आँखों में उसके लाइटली आंसू आ रहे रहते हैं, वो एकदम से लाइटली आंसू को पोंछती है। और यहाँ पर जो कृषा होती है वो सचिन की तरफ देखने लगती है। सचिन उसके पास आकर बोलता है कि सुन, कल रात को ना एक बात, एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बारे में तुझे डिस्कस करना है। तो वो कहता है कि क्यों, क्या बात हुई? तो कहता है यार, कल रात को एक्चुअल में ना जो मेरे मॉम एंड डैड के वहाँ पर अटैक होना स्टार्ट हो गए थे, इसलिए ना मैं तुझे बता नहीं पाया था। और मुझे जब मैं घर गया तब मुझे ये सारी बातें पता चली, क्योंकि कल रात को तो मैं तेरे साथ स्टे कर रहा था, तो मेरी मम्मी और पापा को ना थोड़ी सी चोट लग गई है। तो वो कहती है, ऐसे कैसे हो गया ये सब चीज़ें? तो कहता है, मुझे नहीं पता, बट ये हुआ था। और जब तू वहाँ पे क्या बोलते तैयार हो रही थी, तो मैं तेको यही चीज़ बताने के लिए फ़ोन कर रहा था बार बार कि यार सुगंधा शेट्टी बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गई है और वो मेरे मॉम एंड डैड पे भी अटैक करा रही है। यार ये तो, यार मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ बट ये तो हैंडल नहीं कर सकता। यहाँ पे जो आहाना रहती है वो कंटिन्यूस उन दोनों को बात करते हुए देख रही थी। और तभी जो सचिन रहता है उसकी आंखों में से थोड़े से आंसू आ जाते हैं। तो यहाँ से जो हमारी कृषा रहती है वो अपना ही इवनिंग मतलब वो अपना जो इवनिंग गाउन नहीं, मतलब उसके हाथ में जो टिश्यू पेपर रहता है वो उसके हाथ में देती है और उसके आंसू पोंछ ही रहती है और उसके गाल पे हाथ रखते हुए बोलती, तू फिक्र मत कर, मैं सब कुछ हैंडल करूँगी, फालतू का रो मत, सब कुछ हैंडल हो जाएगा। मतलब वो उसको कंसोल कर रही रहती है, क्योंकि आखिर में सच्ची में उसके मॉम एंड डैड पे थोड़ा सा अटैक हुआ रहता और चोट लग चुकी रहती है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो आहाना रहती है ये सब चीज़ें घूर के देख रही रहती है। तभी मिसेस शेट्टी आती है और कहती है, अब तो तड़का मारना ही चाहिए। और वो कहते हैं, देखो तुमने उससे शादी कर ली, 2 लवबर्ड्स को तुमने अलग कर दिया, आखिर वो अपने बॉयफ्रेंड को ऐसे छोड़ कैसे सकती है ना तुम्हारे लिए?
तुमसे तुम्हें तो तुमसे तो उसे सिर्फ पतला लेना था, इसलिए देखो उसका बॉयफ्रेंड कितना रो रहा है, कितना रोने जैसी सूरत हो गई है, कितना रो रहा है वो, और ये देखो कितने प्यार से कंसोल कर रही है। हाय इनकी मोहब्बत के बारे में क्या ही बोलना, समझ में नहीं आता है कि इस तरीके की प्यार को क्या ही बोले। आहाना की भी आंखों में से आंसू आने ही वाले रहते हैं, बट वो कहती है मॉम पापा आपको बुला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मिसेस शेट्टी को ऐसा लगता है या मैं इसके दिमाग में इतनी सारी बातें डाल रही हूँ, इसको इतना प्रवोक करने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये कुछ रिएक्ट ही नहीं करती है, ये तो हद हो गई। तो यहाँ पे मिसेस शेट्टी को भी गुस्सा आता है, तभी वो जाते आते बोलती कि क्या तुम्हें कुछ फील नहीं होता है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, तुम्हारे डैड अगर किसी और के साथ होते ना ऐसे तो मैं तो पागल हो जाती, पर शायद तुम्हारा भी प्यार सच्चा नहीं है। तभी वहाँ पे आहाना एकदम से अपनी मॉम का हाथ पकड़ के बोलती क्या है ना मॉम, आप मोहब्बत के बारे में ना ही बोलो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो इंसान मोहब्बत करते हैं ना वो दूसरी शादी नहीं करते, और अगर दूसरी शादी करते हैं ना तो अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए भी होते हैं, अपनी खुद की बेटी को मरने के लिए नहीं छोड़ते हैं, पता तक भी नहीं किया कि कृषा कहाँ पर है, कैसी है, क्या है, कुछ भी नहीं किया। कहती तुम्हें जो सच्चाई बताई जा रही है ना वो बिल्कुल भी सही नहीं है, मुझे जानना भी नहीं है, आप जाइए और करिए, मेरे प्यार पे उंगली उठाने की इजाज़त नहीं दी है मैंने आपको। आहाना का ये रूप देख के यहाँ पर मिसेस शेट्टी को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो चुप मुँह से वहाँ से चली जाती हैं। कृषा जो रहती है वो आहाना के जस्ट पीछे ही रहती है और वो ये सारी बातें सुन लेती है, और उसे काफ़ी बेटर फील होता है कि आहाना कितनी अंडरस्टैंडिंग है, वो समझ रही है, बट वो उसको बस मुझे प्यार से समझाने की ज़रूरत है, वो सब समझ जाएगी। तभी यहाँ से कृषा बोलती है थैंक यू आहाना, तो आहाना टर्न होके बोलती है किस चीज़ के लिए, तो कहती है कि तुमने मतलब मम्मी ने तुम्हें ऐसा बोला तो तुमने जवाब ये दिया, मैंने कहा ना पूरी दुनिया के सामने अब मुझे ये नकली नाटक भी तो बनाना ही पड़ेगा, और तुम्हारा इम्पोर्टेंट पर्सन को क्या हुआ था, आंसू कम पड़ गए, तुम्हारी शादी जो हो गई है उसकी, हाँ क्या कह रही हो कि मेरा तो बहुत मन कर रहा था सचिन के आंसू पोंछने का, आखिर उससे प्यार करती हूँ मैं और मैंने शादी तुमसे जो कर ली, वो रो रहा है बच्चे की तरह रो रहा है, पैम्पर करना है मुझे उसे, ये तुम्हारा मन कर रहा है, जाओ जाओ कर लो, इस चीज़ के लिए भी मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें। कृषा बोलती है कुछ भी सोच रही हो आहाना, तुम ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कृषा आहाना एकदम से हाथ आगे करके बोलती है प्लीज नॉट क्रिएट सीन, रिसेप्शन खत्म होने दो फिर बात करेंगे। रिसेप्शन पूरे तरीके से ख़त्म हो जाता है, करीब आधे घंटे के अंदर सब अपसेट निकल जाते हैं। यहाँ पे आकृति दीदी भी बहुत बोलती है, कहती है अपनी फर्स्ट नाइट के लिए तैयार रहना, और वैसे तो हमारी फर्स्ट नाइट तो होगी नहीं लेकिन आप लीगली वाइफ की तरह हो। तभी वो बोलती हैं और ये बोलकर वो जाते हैं, सचिन बोलता है प्लीज़ तू देख लेगी ना, तो वो कहता है कि मैं हैंडल कर लूँगी, तू बस आंटी अंकल का ध्यान रख, तो कहता है ठीक है चलो भाई, और ऐसे उसे टाइटली हक कर रहता है। जैसे ही वो उसे टाइटली हक करता है इस बार आहाना नहीं चुप रह जाती है, आहाना सचिन को एकदम से पीछे से धक्का देती है, बोलती है अगर तुम्हारा भरत मिलाप हो गया हो तो अभी मैं अपनी वाइफ को लेके जाऊं, तो कहती है कि हाँ ठीक है तो मैं मेरी वाइफ के साथ हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना और आज तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना, ये बोल के वो हाथ पकड़ के लेके आती है। कृषा चुपचाप देख रही रहती है, कुछ भी नहीं करती है। थोड़ी देर के बाद अन्ना कार लेकर आते हैं, वो अपनी कार पे बैठती है और कृषा के घर पे चली जाती है। जैसी घर पे जाती है और वहाँ पे डोर वो लॉक कर देती है, कृषा कहती है आहाना मेरी बात तो सुनो बीबी, मुझे बात तो क्लियर करने दो। तभी वहाँ पर आहाना एकदम से डोर लॉक कर देती है, उसी के सामने उसके बेडरूम को डोर लॉक कर देती है और बोलती है सो जाओ रात हो गई है। यहाँ पर कृषा एकदम से चिल्लाती है अरे मेरी बात तो सुनो, अरे बेडरूम तो मेरा भी है, तुम मुझे कहाँ अकेले कर रही हो, अरे बेडरूम तो मेरा भी है, तो वो कहती है नहीं।
थोड़ी देर के बाद वो बस ऐसी डोर लॉक कर देती है। अब जो डोर लॉक करने का ऐसा रहता है कि वो जो डोर लॉक होता है ना, कि जैसे बाहर अगर की से भी लॉक ओपन किया जाए तो ओपन हो जाता था, वो वाला डोर लॉक था। यहाँ पर जो आहाना रहती है उसको इतना दर्द हो रहा रहता है, इतना दर्द हो रहा रहता है कि वो बस एक कोने में बैठ के बस रोना स्टार्ट कर देती है। उसे रोना आ रहा रहता है। कृषा से भी बहुत देर हो जाती है, ये सब देखा नहीं जा रहा रहता है। कृषा ये सब चीज़ें नहीं समझ पाती है कि यार आहाना उसकी बात भी नहीं सुनना चाहती है, उसको इतना मतलब समझ ही नहीं रही है। तभी वहाँ से वो की निकालती है और वहाँ से उसे पता रहता है कि भाई उसके लॉक का, वो की करती है उसे वहाँ से ओपन करती है और जैसे ही अंदर देखती है तो आहाना रो रही रहती है बहुत, मतलब हैड मतलब बोलते ना एक कोने पे बैठ के पैरों को टाइटली हक करके अपना सर उस पैरों पे रख कर रो ही जा रही रहती है। तभी वहाँ से वो एकदम से आती है और उसे बोलती है तुम पागल हो क्या, तुम रो क्यों रही हो। तभी वो उसे इतनी जम के धक्का देती है और जैसी धक्का देती है तो कृषा के सर पे जम के चोट लग जाती है, उसका ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है और उसका ना सर में मतलब थोड़ा ज़्यादा सर फटने वाली है ना वैसा फट जाता है। और उसे उस समय तो थोड़ा ब्लड पता नहीं चलता है, पर थोड़ी देर के बाद वो ब्लड दिखने लग जाता है और वो उतने गुस्से में कहती है तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी हैल हो गई है, तुम्हारी वजह से, तुमने बस मुझे इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि जहाँ पर मैं किसी की भी नहीं हूँ। कृषा जान ले लेती तुम मेरी, पर जो हरकतें तुम मेरे साथ कर रही हो ना वो बहुत गलत है। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत है, मेरे अंदर अब प्यार ही नहीं बचा, बिल्कुल भी नहीं बचा। और ऐसे कह के, लेकिन थोड़ी देर में वो देखती है कि कृषा के सर से ब्लड निकलने लगता है। वो एकदम से भागती है और कृषा को एकदम से पकड़ती है और बोलती है अरे ब्लड निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है। तो कृषा कहती है कि मैं ठीक हूँ, मैं सही हो जाऊंगी। तो कहती पागल हो गया तुम सही नहीं होगी। शिट यार मैन, मैं क्या से क्या बन गई हूँ, क्या थी और क्या बना दिया कृषा तुमने मुझे। मैं एक मर्डरर नहीं हूँ, मैं जो हरकतें कर रही हूँ मैं साइको भी नहीं हूँ, पर तुमने मुझे अंदर का सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। तुमने मुझे क्या से क्या बना दिया कृषा, क्या बना दिया। अगर तुम्हें सचिन से ही प्यार था, सचिन से ही प्यार करती हो तो लाओ ना यार, क्यों मेरे साथ गेम खेल रही हो, डबल डेटिंग क्यों कर रही हो मेरे साथ, कि डबल डेटिंग में ना मैं मर रही हूँ। कृषा एक्चुअली बेहोश होने लग जाती है क्योंकि उसको चोट लगी रहती है और ये बात दिख के वो डर जाती है, उसे अब कुछ समझ में नहीं आता है। तो वो यहाँ से ना अंजलि को फ़ोन करती है और अंजलि के साथ गरिमा ही थी हमेशा से, तो वो दोनों को फ़ोन मतलब अंजलि को फ़ोन करके बोलती है यार ऐसा ऐसा हो गया है, प्लीज़ आ जाओ, वो थोड़ी सी हल्की सी चोट लग गई। तो गरिमा भी फटाफट आती है इनके घर में और गरिमा प्लस अंजलि दोनों कृषा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।